हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे HSIIDC के बारे में, जो आपके हरियाणा इकोनॉमी का टॉपिक रहने वाला है। ये आपके ग्रुप नंबर 56 एंड 57 दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ओनली HSIIDC के बारे में, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको हैफिड के बारे में पढ़ाऊंगी। ये जितने भी इस तरीके से HFC दे रखा है, जैसे ये HKVIB दे रखा है, और जितने जैसे MNCs दे रखे हैं, वो सभी टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास हमारी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है HSIIDC, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ किस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारा लिख दिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे पॉइंट के थ्रू भी लिख दिया है और वैसे भी लिखा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका और स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं HSIIDC, यहाँ पर इसकी जो पहले हम इसका मतलब देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इसके नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका नाम है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है आपका इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका पूरा नाम क्या है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो पूरी की पूरी इसकी जो फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहां से आपको पता लग गया होगा कि किसके लिए काम करता है, इंडस्ट्रीज के लिए और साथ साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जैसे आपके यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ को लेकर या फिर जो आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होते हैं, उनकी देखरेख या फिर उनको बनाने का काम जो है वो किसके अंडर आता है, आपके HSIIDC के अंडर आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, किसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई आपकी 8 मार्च 1967 को। ऐसे याद रखना, हरियाणा बना 1966 में, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी बहुत सारी चीज़ों को बनाने की, बहुत सारे ऐसे से मतलब इंडस्ट्रीज स्थापित करने की। तो हमने यहां पर किसका गठन कर दिया, HSIIDC का गठन कर दिया। तो एक साल बाद ही हमने इसका गठन कर दिया और महिला दिवस पर इसको शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जो घर है, घर कौन चलाती है, महिलाएं चलाती हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन पर, ठीक है, 1967 को घर बनाया, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई, तो 8 मार्च 1967 को। तो इसकी स्थापना कब हुई आपके, 8 मार्च 1967 को, और घर बनाने का काम इंडस्ट्रीज से याद रख लेना 8 मार्च को, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी डेट याद रख सकते हैं, मैं बस आपको तारीख याद कराने के लिए बता रही हूं, कभी कोई मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाए। तो यहां पर इसकी स्थापना कब हुई है, 8 मार्च 1967 को हुई है। तो ये डेट आपको याद रख लेनी है, क्योंकि कई बार आपसे सीधी एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है, कई बार आपसे सीधी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कई बार आपसे इसकी विशेषताएं, अगर मान लीजिए एग्जाम को टफ बनाना है, तो आपसे ऐसे 3-4 इसकी ऐसे इस तरीके से विशेषताएं दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन से वाली ट्रू है। अगर इजी बनाना है तो आपसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी के सभी जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, हमारे पढ़ने जरूरी होते हैं। ये किसके अंडर काम करता है, ये हरियाणा सरकार के अंडर काम कर रही है, कौन, HSIIDC, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि किसके अंडर काम करती है HSIIDC, तो आप क्या टिक करेंगे, हरियाणा सरकार के अंडर काम करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेक्टर 6 पंचकुला में है। तो सीधा आपसे सेक्टर वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा इससे, बस आप इस मतलब आपसे सिर्फ इसका हेडक्वार्टर ही पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप क्या टिक करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में है, ठीक है। मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर आपको पंचकुला में देखने को मिलेंगे, कुछ क्वार्टर ऐसे हैं जो आपको मतलब सॉरी हेडक्वार्टर है जो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ आपको जो हमारा पंचकुला है वहाँ पर ये सभी हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपके कहाँ पर बनाया गया है, पंचकुला में बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो आपके HSIIDC है, ये क्या किसके अंडर काम करता है, मतलब ये क्या काम करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड हरियाणा नोडल एजेंसी है किसकी, इंडस्ट्रीज की, मतलब ये जो है ना इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए काम करता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हरियाणा पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका। तो आपको याद रखना है कि ये किसके लिए काम करेगा, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए काम करेगा। इसके बाद इसका जो गठन है वो कौन से एक्ट के तहत हुआ है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो गठन है वो कौन से एक्ट के तहत हुआ था। तो आपको क्या टिक करना होगा, एक्ट 1956, यानी कि हरियाणा बनने के 10 साल पहले, ठीक है। तो
10 माइनस कर देना। जब हमारे यहाँ पर KUK बनी थी ना 1956 में, तभी हमारे ये एक्ट आया था जिसके तहत हमने क्या बनाई है यहाँ पर 11 साल बाद यानी कि 1967 में हमने यहाँ HSIIDC का गठन कर लिया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको डेट्स भी याद रखनी जरूरी होती है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पर इसका जो एक्ट है वो 1956 है, हरियाणा बनने से 10 साल पहले इसका एक्ट आया है और हरियाणा बनने के 11 साल बाद हमने HSIIDC का गठन कर लिया है। ठीक है, ये आप सारी बातें आप याद रखेंगे। इसके तहत इसका जो इसकी जो स्थापना है वो 8 मार्च 1967 को हुई है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है महिला दिवस पर और 1967 में। 1966 याद रखना, ठीक है, ऐसे 1966 याद रखना, ठीक है। इसमें पहले माइनस 10 करेंगे तो एक्ट आएगा, प्लस 11 करेंगे तो यहां पर 1967 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पर तो गठन हो जाता और यहां पर क्या आता है, एक्ट आता है। तो ऐसे आपको ये बातें याद रहेंगी। ये सरकार द्वारा 100% शेयर वाली कंपनी है। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ये 100% शेयर क्या होता है, मतलब यहां पर जो ये शेयर्स है ना सारे के सारे किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास है, मतलब पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा चालित कंपनी है। कई बार पता है क्या होता है, जैसे 50% शेयर की बात होती है, अगर 50% से 1% ज्यादा किसी कंपनी के पास में है तो वो कंपनी किसके पास जाएगी, मतलब वो प्राइवेट कंपनी ज्यादा मानी जाती है क्योंकि उसके ज्यादा शेयर किसके पास है, किसी भी इंसान के पास में है। अगर वहां पर 50+1% शेयर कंपनी के पास ना होकर सरकार के पास है तो उसके ऊपर जो सरकार का स्वामित्व है वो ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। तो ऐसे आपकी तीन तरीके की कंपनियां होती हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, पूरी की पूरी तरीके से सरकार के द्वारा चालित है, यानी कि इसमें किसी भी दूसरे इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये कंप्लीट किसके अंडर काम करती है, सरकार के अंडर काम करती है, और 100% शेयर वाली कंपनी है, यानी कि इसमें सभी शेयर किसके हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के कहने के अनुसार काम करेगी, इसमें सभी हरियाणा गवर्नमेंट के बंदे होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रोल एंड फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि HSIIDC के कौन से इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, साथ साथ कौन से इसके थीम पार्क हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर का मतलब वैसे जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एक तरीके से हम गुच्छा कह सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं या झुंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लस्टर होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हो तो वो क्या होता है, क्लस्टर होता है। तो उसके ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा फूड पार्क, यहां मैंने फूड पार्क लिखा है। अब फूड पार्क में आपको अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे फूड देखने को मिलेंगे। जैसे टेक्सटाइल हब है तो टेक्सटाइल हब किसके लिए फेमस है, सिर्फ टेक्सटाइल के लिए फेमस है। वहां पर सिर्फ आपको टेक्सटाइल्स का जो भी सामान है वो देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फूड पार्क में आपको जैसे और कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी, म्यूजिक से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको फूड पार्क में केवल डिफरेंट टाइप्स के जो फूड है ना वो देखने को मिलेंगे। फूड पार्क किसके लिए होता है, किसी मतलब पर्टिकुलर फूड के लिए होता है, स्पेशली फूड्स के लिए होगा। तो फूड पार्क यहाँ पर एक ही तरीके के प्रोडक्ट पाए जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक तरीके का क्लस्टर होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं ये, जो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, आपके HSIIDC के द्वारा स्थापित किए गए हैं। थीम पार्क वो होते हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर थीम को लेकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले कि HSIIDC के कौन से इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जो आपके हरियाणा में HSIIDC के द्वारा बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर टेक्सटाइल हब पानीपत में, तो जो टेक्सटाइल वगैरह का काम है वो आप सभी जानते हैं कहां पर होता है, हमारे पानीपत में होता है। ठीक है, तो पानीपत किसके लिए फेमस है, आपको पता ही है, टेक्सटाइल हब के लिए फेमस है, टेक्सटाइल वगैरह के सामान के लिए फेमस है। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो पानीपत का टेक्सटाइल हब है, ये भी किसके द्वारा विकसित किया गया है, HSIIDC के द्वारा ही विकसित किया गया है। इसके बाद है फूड पार्क। फूड पार्क कौन सा, अंबाला साहा का जो फूड पार्क है वो भी किसके द्वारा, किसके अंडर आता है, HSIIDC के अंडर। आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक फूड पार्क ऐसा है जो HSIIDC के अंडर नहीं आता, जो आपका हैफेड के अंडर आता है। जब मैं आपको हैफेड का टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको वहां पर अच्छे से उनको बताऊंगी कि कौन सा हैफेड के अंडर आता है। ठीक है, तो यहां पर जो ये फूड पार्क अंबाला वाला याद रखना है आपको, अंबाला का जो फूड पार्क है वो आपका HSIIDC के अंडर आता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। मान लो आपका एग्जाम अगर टफ बन जाता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये फूड पार्क अंबाला साहा का किसके अंडर है, आपके HSIIDC के अंडर है। इसके बाद ग्रोथ सेंटर है, ये कहां पर है,
चौराहा अंबाला में है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर मार्केट है तो सारा का सारा कैसा सामान देखने को मिलेगा यहाँ पर, बागवानी का, क्योंकि क्या है ये क्लस्टर है, ठीक है। तो बागवानी का सामान यहाँ देखने को मिलेगा, तो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट एट गन्नौर सोनीपत। तो ये कहाँ पर बनाई गई आपके गन्नौर सोनीपत में, इसका नाम क्या है हॉर्टिकल्चर मार्केट एट, मतलब हॉर्टिकल्चर मार्केट इंटरनेशनल स्तर की क्या है ये हॉर्टिकल्चर मार्केट है। इसके बाद है फुटवियर पार्क। फुटवियर पार्क कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में है। और ये फुटवियर पार्क है तो यहाँ पर क्या होगा, सभी फुटवियर का सामान मिलेगा। तो फुटवियर पार्क कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में, ये आपने पढ़ा भी हुआ होगा, ठीक है। तो फुटवियर पार्क कहाँ है आपका, बहादुरगढ़ में है। इसके बाद है मेगा फूड पार्क राई सोनीपत। तो सोनीपत का भी जो मेगा फूड पार्क है वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, HSIIDC के द्वारा। साथ साथ अंबाला का भी किसके द्वारा बनाया गया, अंबाला वाला भी HSIIDC के अंडर आता है। तो अंबाला सोनीपत दोनों किसके अंडर काम है, अंडर काम कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं आपके HSIIDC के अंडर, ठीक है। इसके बाद है फ्लावर मंडी। आपने पढ़ा होगा कि आपके यहाँ पर फूल मंडी बनाई जा रही है। जब मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एप्पल मंडी, फ्लावर मंडी, तो एप्पल मंडी हमने पढ़ा था। मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू भी बताया था कि ऊपर का जो एरिया है पंचकुला वाला एरिया, वो हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ में टच होता है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एप्पल्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए एप्पल की जो मंडी है वो कहाँ पर है, पंचकुला में है। इसके साथ साथ मैंने आपको गुरुग्राम भी ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से बताया था कि गुरुग्राम में बहुत सारे क्या आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। तो जब भी वो कोई, मतलब जैसे फॉरनर्स वगैरह आते हैं तो हमारे लोग स्वागत के लिए उन्हें क्या देते हैं, फूल गिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या बना दिया हमने, फूल मंडी बना दिया। तो ऐसे मैंने आपको याद कराया था कि फ्लावर मंडी हमारी गुरुग्राम में है, साथ साथ इसके साथ साथ जो आपका जो एप्पल मंडी है वो कहाँ है, पंचकुला में है, ठीक है। जो ये फ्लावर मंडी है किसकी सहायता के साथ बनाई गई है आपके, हॉलैंड की सहायता से, यानी कि अब इसका नाम क्या है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की तर्ज पर ही हमने क्या बनाई है, हमारी फ्लावर मंडी बनाई है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए हरियाणा की जो फ्लावर मंडी है वो कौन से देश की तर्ज पर विकसित की गई है, की जा रही है, तो आप क्या टिक करेंगे, नीदरलैंड की तर्ज पर। इसी का पहले नाम हॉलैंड था, ठीक है, तो हॉलैंड या नीदरलैंड की तर्ज पर हम इसे बना रहे हैं। इसके बाद है बागवानी मंडी। बागवानी मंडी क्या है, गन्नौर जो पेरिस की तर्ज पर बन रही है, ठीक है। तो ये आपको पता है बागवानी मंडी गन्नौर में है, किसकी तर्ज पर बन रही है आपके, पेरिस की तर्ज पर, और इसे कौन बना रहा है, HSIIDC, ठीक है। तो ये सभी किसके अंडर काम कर रही हैं, HSIIDC के अंडर काम कर रही हैं। तो ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सब आपको याद रख लेने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है टेक्सटाइल हब, टेक्सटाइल हब हमारा पानीपत में है। इसके बाद मैंने आपको दो फूड पार्क बताए हैं, एक अंबाला का फूड पार्क है, इसके साथ साथ एक आपका सोनीपत का फूड पार्क है, ठीक है। सोनीपत वाला मेगा फूड पार्क आता है और ये सिंपल फूड पार्क है अंबाला साहा वाला। इसके बाद ग्रोथ सेंटर है साहा अंबाला में, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल जो गन्नौर में हॉर्टिकल्चर मंडी बनाई जा रही है, मार्केट है, वो कहां है, सोनीपत में भी, HSIIDC के अंडर आती है। इसके बाद हमने पढ़ा फुटवियर पार्क। फुटवियर पार्क भी कहां है, बहादुरगढ़ में है। मेगा फूड पार्क आपका सोनीपत में है। फ्लावर मंडी किसके अंडर बनाई जा रही है आपके, ये भी आपके HSIIDC के द्वारा बनाई जा रही है, गुरुग्राम में बनेगी। बागवानी मंडी कहाँ है आपके, गन्नौर में है, HSIIDC से विकसित कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसके रोल्स एंड फंक्शन, कि इसके रोल क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। यह तो यहाँ पर मैंने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है, तो ये किसका काम करेगा, HSIIDC आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, ठीक है। तो HSIIDC किसका काम कर रहा है आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी ये बनावट वगैरह का होता है, या फिर जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी है, कैसे उनको डिजाइन करना है, कैसे वहां पर ये मतलब सारे की सारी हम जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है वो कैसे करने हैं, वो सब कौन करता है, HSIIDC। इसके बाद इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT, आपने पढ़ा होगा ना IMT, हमारी जैसे मानेसर है, मानेसर हमारी IMT सिटी है, जहां पर मॉडल टाउनशिप यानी कि एक तरीके से एक ही पैटर्न पर जो मतलब टाउन्स बनाए जा रहे हैं, या मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मतलब जिन्हें अच्छे से विकसित किया जा रहा है उन्हें ही क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। तो वो बनाने का काम भी कौन कर रहा है, हमारे यहाँ पर HSIIDC के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है। तो HSIIDC सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, क्योंकि इसी के नाम में दिया गया है। जब हम HSIIDC की फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्लॉट, यहाँ पर प्लॉट का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कारखाना वगैरह लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए प्लॉट की नीड है, तो वो कौन देने का काम करेगा, HSIIDC करता है, ठीक है। सॉरी सॉरी,
तो HSIIDC क्या करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करने के लिए इन्हें क्या देता है, प्लॉट देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, अगर आपने करंट अफेयर पढ़े तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था, जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती थी तब मैंने ये सारे पॉइंट बताए थे, और मैं कोशिश करूंगी कि जनवरी से लेकर आपको यहाँ पर जून तक का, सॉरी मई तक का पूरा करा दूं। ठीक है, मई तक, जून जनवरी से मई तक का सफिशिएंट होगा, तो जनवरी से मई तक का करंट अफेयर मैं आपको करा दूं, मैं ऐसी कोशिश करूंगी आपको कराने की, अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं जरूर आपको सारा करंट अफेयर कवर कराऊंगी। ठीक है, वैसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा भी रखे हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रखा है, बजट पढ़ा रखा है, और जैसे रिपब्लिक डे पर हमारी जो झांकी रही थी उससे रिलेटेड जितने पॉइंट है सब पढ़ा रखे हैं, सूरज कुंड मेला पढ़ा रखा है, जितने भी हमारे यहाँ पर जैसे गेम्स हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, ओलंपिक हुए थे वो मैंने आपको करा रखे हैं, उसकी एक मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, जितने की और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएंगे वो सब मैं आपको फिर पढ़ा दूंगी जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी प्लांट लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो आपका खरखोदा है यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये कितने एकड़ में प्लांट लगाया जाएगा, 900 एकड़ में लगाया जाएगा। तो ये प्लॉट किन्हें देता है, जो बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्रीज स्थापित होती है उन्हें प्लॉट देने का काम कौन करता है, HSIIDC करता है। ये ऐसे प्लॉट नहीं देगा कि आपको मान लो दुकान खोलनी है और आप जाकर यहाँ पर HSIIDC के पास पहुंच जाओ और कहो कि हमें तो दुकान खोलनी है, हमें भी प्लॉट दो, हमें भी दुकान खोलनी है, तो ऐसे आपको नहीं मिलेंगे ये प्लॉट, आपको बड़े पर काम करना पड़ेगा तभी ये क्या देगी, मतलब आपको प्लॉट वगैरह देने का काम करती है, और ये बड़े लेवल पर होता है, जैसे मारुति सुजुकी इसका बड़े लेवल पर काम है क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर भी हमारे काम करती है, तभी इसे क्या दिया, किसे इसे प्लॉट वगैरह देने का काम किसने किया है, HSIIDC ने किया है। ये 900 एकड़ में स्थापित होने जा रही है, इसमें से 800 एकड़ में आपका जो कार का प्लांट लगेगा और 100 एकड़ में बाइक का प्लांट लगेगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल प्लॉट से रिलेटेड है। इसके बाद सलाहकार के रूप में काम करती है, अब ये गाइडेंस भी देती है, मान लो आपको कोई इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी है और आप किसी ऐसे स्थान पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जहां पर मतलब आपका जो काम है वो नहीं चले, या ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम हो वहां पर, या फिर ऐसा कुछ हो कि वहां पर कोई व्हीकल्स वगैरह ना आ पाए, तो आप ट्रांसपोर्ट का काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं ना हो और आप उस ऐसे एरिया में क्या लगाना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, तो HSIIDC आपको सलाह देगी। ठीक है, आपके सलाहकार के रूप में काम करेगी, आपको समझाएगी कि आप यहां पर अपना काम स्थापित ना करके किसी और जगह पर कर सकते हैं, तो ये क्या करती है, सलाहकार के रूप में काम कर सकती है। और जैसे मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो ये आपके सलाह देगी कि आप इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं या ऐसे काम कर सकते हैं, तो सलाह देने का काम करती है। इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करती है, जब आपको पैसे वगैरह की नीड हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को जब पैसे की नीड होती है तो HSIIDC लोन देने का काम भी करती है। इसके बाद यहाँ पर है विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने में योगदान, तो जैसे आपके यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज आती हैं उनको क्या देती है, बढ़ावा देती है, तो HSIIDC फॉरेन कंपनी को भी क्या देती है, बढ़ावा देती है, आपको याद रखना है। स्किल डेवलपमेंट का काम करती है ये, उद्योगों को बढ़ावा देती है, उद्यमशीलता उनको भी क्या देती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देगी, उद्योगों को बढ़ावा देगी, हमारी स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगी, तो ये सारी बातें कौन करता है, HSIIDC के द्वारा की जाती है। इसके बाद है जैसे ग्रामीण विकास, गाँव के विकास के लिए काम करती है कौन, HSIIDC। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हमारी हेल्प करती है, तो यहां पर मैंने आगे इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है जो मैं आपको समझा देती हूं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नोडल एजेंसी कौन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, HSIIDC है, तो HSIIDC किसकी नोडल एजेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा की ऐसी कौन सी संस्था है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करती है, या कौन सी ऐसी नोडल एजेंसी है, तो आप क्या टिक करेंगे, वो है HSIIDC। अब की बार जो आपका HTET का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि जो आपका जो ये ग्लोबल सिटी बन रही है मानेसर की, वो किस कौन सी कंपनी बना रही है, तो वहां पर आपको HSIIDC ही टिक करना था। ठीक है, तो ये मानेसर वगैरह जितनी भी ये सिटीज बना रहे हैं उनके पीछे किसका हाथ है, HSIIDC का। ये क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट का काम करती है, हमारे यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट का काम कौन कर रही है, HSIIDC कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम इंडस्ट्रियल इस्टेट, क्या करती है, कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, HSIIDC के अंडर ही क्या आती है, हमारे यहाँ पर
इंडस्ट्रियल इस्टेट आती हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि इंडस्ट्रियल इस्टेट क्या होता है, जो आपके जो बढ़ावा देती है, जो मान लो ग्रामीण क्षेत्र पर मतलब कंपनीज़ को बढ़ावा दे, साथ साथ आपके राज्य स्तर पर कंपनी को बढ़ावा दे, इंटरनेशनल स्तर पर कंपनीज़ को बढ़ावा दे कि आप हमारे यहाँ पर आइए, इन्वेस्ट कीजिए, आपको ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी, ये मिलेगा, सारी सुविधाएँ मिलेंगी, तो यही क्या होता है, इंडस्ट्रियल इस्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद है जैसे कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स कौन सी हैं हमने जो इंडिया में स्थापित किए, हमारे जैसे होंडा है जो केवल हरियाणा के लेवल पर काम ना करके इंटरनेशनल स्तर पर काम करती है। ठीक है, या देश के स्तर पर ही काम नहीं करके इंटरनेशनल स्तर पर भी काम करती है। ठीक है, तो सबको साथ में लेके चलती है, जैसे होंडा है, सुजुकी है, ड्यूरोसेल है, बैक्टकॉन है, ये सिर्फ हरियाणा में काम ना करके ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फेमस हो। जैसे आपको पता है सुजुकी की गाड़ियां केवल आपके यहां इंडिया में नहीं चलती बल्कि विदेशों में भी चलती हैं, तो ठीक है, ये किस पर काम कर रही है, वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। ठीक है, तो यहां पर ये काम करे जो क्षेत्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी, मतलब सभी लेवल्स पर काम करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होती हैं, तो यही क्या होता है, इंडस्ट्रियल इस्टेट होता है। तो HSIIDCI किसे बढ़ावा दे रहा है, आपके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स को बढ़ावा दे रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लस्टर मैंने आपको बता ही दिया था, कोई खास जगह का खास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्लस्टर होता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके का गुच्छा कह सकते हैं हम क्लस्टर को, जहाँ पर एक ही तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे फूड है तो वहाँ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, फुटवियर है तो वहाँ पर फुटवियर से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, टेक्सटाइल है तो वहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यही क्या होता है, आपका क्लस्टर होता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल इस्टेट एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को डेवलप कौन करता है, HSIIDCI करता है। ये हमने पढ़ लिया है, IMT बनाएगा इंडस्ट्रियल इस्टेट्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये तीनों का काम कौन देखता है, आपके HSIIDCI देखता है। जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात आएगी ना, वहां पर हमें क्या टिक करना होगा, हमारा HSIIDCI टिक करना होगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल इस्टेट एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर का जो काम है वो कौन करता है, आपका HSIIDCI करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद है 4 मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था जैसे मेगा फूड पार्क है, तो मेगा प्रोजेक्ट ये किसके लिए, ये मतलब मेगा प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। जैसे जहां पर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कोई फैक्ट्री का मालिक है जो क्या करना चाहता है, वहां पर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको कोई दुकान खोलनी है तो आप ऐसे ही जाकर HSIIDCI के पास ऐसे ही जाकर नहीं बोल सकते कि हमें मतलब इन्वेस्ट करना है, पैसा देना लगाना है, तो मतलब छोटी सी दुकान खोलनी है तो आप क्या ही जाकर उन्हें कहेंगे कि हमें शॉप खोलनी है तो आप हमें प्लॉट दो, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। उसके लिए आपका प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो वहां पर 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आप अगर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो HSIIDCI क्या काम करेगा, आपको प्लॉट देने का काम करेगा। ठीक है, कभी कल को जाकर खड़े हो जाओ और ऐसे कहो कि मैम ने पढ़ाया था कि HSIIDCI प्लॉट देगी, मुझे तो काम करना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तभी आप HSIIDCI के पास जाकर प्लॉट वगैरह मांग सकते हैं, तो प्लॉट देने का काम करती है आपको। ठीक है, इसके बाद है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इन हरियाणा। हरियाणा में कितनी ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था इंडस्ट्रियल इस्टेट के बारे में कि जो केवल हमारे हरियाणा के लेवल पर ही काम ना करके इंटरनेशनल स्तर पर भी काम करती है, पूरे वर्ल्ड में जो फेमस होती हैं वही क्या होती है, आपकी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स होती हैं। तो ये टोटल कितनी आपके 24 है, तो आपको याद रखना है कितनी है, 24 2 2 4 है। ठीक है, तो 2 2 4 2 और 2 4 तो कितनी है, 2 2 4 यानी कि 24। ठीक है, तो कितनी इंडस्ट्रियल इस्टेट कितनी आपकी यहाँ पर 24 है। इसके बाद IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कितने हैं, 8 हैं, ये मैंने आपको आगे लिखे हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी आगे, मैंने पूरा कंप्लीट लिखा है इनको। ठीक है, अलग अलग से भी लिखे हैं IMT ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था, और क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हैं मुझे लगता है, लाइक नहीं करते मेरी क्लास को। इसके बाद है IT पार्क। IT पार्क कितने आपके, 1 है, जो पंचकुला में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है सम इंडस्ट्रियल इस्टेट। कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट है जो जैसे अंबाला है, मैंने आपको भी बताया भी था क्या है अंबाला, अंबाला इंडस्ट्रियल इस्टेट है, तो आपको याद रखना है अंबाला क्या, अंबाला में फूड पार्क भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना अंबाला में फूड पार्क भी है और अंबाला इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी आता है, तो अंबाला दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए, साथ साथ यहाँ पर फूड पार्क भी है। इसके बाद है साहा अंबाला ग्रोथ इंडस्ट्रियल इस्टेट, तो ये दो क्या है यहाँ पर इंडस्ट्रियल इस्टेट है। तो अंबाला में कितनी इंडस्ट्रियल इस्टेट है, ये IE के थ्रू भी लिखा है मैंने आगे, इसको अगर IE लिखा आएगा तो आप समझ जाना कि ये इंडस्ट्रियल इस्टेट लिखा गया है। तो अंबाला और साहा ये दो इंडस्ट्रियल इस्टेट हैं, कहाँ अंबाला की। इसके बाद है फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में भी क्या है आपके इंडस्ट्रियल इस्टेट देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद गुरुग्राम में यहां पर उद्योग विहार गुरुग्राम इंडस्ट्रियल इस्टेट है और साथ साथ सोहना IMT है।
ये जितने IMT है ना मैंने अलग से भी लिखे हैं ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उद्योग विहार से याद रख लेना, उद्योग धंधे कहाँ पर है सबसे ज्यादा, गुरुग्राम में है। तो उद्योग धंधे वाला कहाँ देखने को मिलेगा आपको, गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। सोहना में क्या है, IMT है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे 8 IMT है, तो सोहना में भी क्या है आपके, IMT है। उद्योग धंधे कहाँ ज्यादा है हमारे, गुरुग्राम में है। तो याद रखना है गुरुग्राम में क्या है, उद्योग विहार है, और सोहना में क्या है, IMT है। तो उद्योग विहार इंडस्ट्रियल स्टेट है और साथ साथ सोहना IMT है। जींद में जींद ना होकर जींद का कौन सा एरिया है, नरवाना, तो नरवाना भी क्या है, IMT में आता है, ठीक है। इसके बाद करनाल इंडस्ट्रियल स्टेट है, CM सिटी है। तो ऐसा याद रखो कि यहाँ पर क्या बनाया गया है, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया है इसको। जींद क्या है, IMT है, जींद नरवाना में, जींद में ना होकर कहाँ पर है, नरवाना में है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। करनाल में क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, CM सिटी है। इसके बाद नारनौल भी क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, ठीक है। तो आपको पता है महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है, इसीलिए नारनौल में क्या आपके इंडस्ट्रियल स्टेट है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नारनौल का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है, इसीलिए नारनौल में इंडस्ट्रियल स्टेट है। पंचकुला में बरवाला इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो ये याद रखना है। एक बरवाला आपके हिसार में भी आता है, ये हिसार वाला नहीं है, ये पंचकुला वाला है, ठीक है। तो बरवाला इंडस्ट्रियल स्टेट है, कालका इंडस्ट्रियल स्टेट है, पंचकुला IMT है, ठीक है। पंचकुला में IT पार्क भी बनाया गया है, तो ये पंचकुला वाले इंपॉर्टेंट है, बरवाला कालका, ठीक है। तो एक तो याद रखेंगे बरवाला से, उसके बाद कालका, ठीक है, कालका इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। इसके बाद पंचकुला में IT पार्क भी है और IMT भी है, तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर है पानीपत इंडस्ट्रियल स्टेट, पानीपत से याद रखना क्योंकि टेक्सटाइल वगैरह के लिए फेमस है, तो इसीलिए पानीपत में ही क्या बनाई गई है, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई है। यहां पर मैंने कुछ ही लिखे हैं ताकि आपको ये थोड़ा रिमाइंड हो जाए। इसके बाद है रेवाड़ी, रेवाड़ी के बावल में क्या है आपके, IMT है, ठीक है। तो ये IMT वाले मैंने आगे लिखे हैं, वैसे आपको 2-3 बार रिवाइज कराऊंगी तो याद हो जाएंगे IMT वाले। इसके बाद आपको पता है धारूवेड़ा हमारी उभरती हुई औद्योगिक नगरी है, तो इसीलिए धारूवेड़ा में क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो आपको याद रखना है धारूवेड़ा के इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ पर है, रेवाड़ी का धारूवेड़ा में, धारूवेड़ा उभरती हुई औद्योगिक नगरी है। उद्योग विहार गुरुग्राम का था, आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद है मानेसर, मानेसर में क्या, IMT है। एक तो मानेसर में हो गया और एक कहाँ पर है, सोहना में है, ठीक है। तो गुरुग्राम के हमारे पास दो हो गए, एक सोहना हो गया और एक मानेसर हो गया, तो सोहना IMT है, साथ साथ आपका मानेसर IMT है। धारूवेड़ा क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, उभरती हुई औद्योगिक नगरी है। इसके बाद बावल भी क्या है आपका, IMT है। इसके बाद है झज्जर में क्या है, झज्जर बहादुरगढ़ क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहीं पर हमने क्या पढ़ा था, फुटवियर पार्क पढ़ा था, ठीक है। तो बहादुरगढ़ में फुटवियर पार्क है, साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल स्टेट भी आता है। रोहतक में आपकी IMT है, ये याद रखना है आपको, रोहतक वैसे भी बहुत फेमस है, तो रोहतक में ही IMT है। इसके बाद है मतलब इंडियन मॉडल टाउनशिप के तहत वो बसाया गया है HSIIDC के द्वारा। इसके बाद है सिरसा में एक सिरसा आता है, साथ साथ टोहाना इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो ये याद रखना है। सोनीपत में खरखोदा है, खरखोदा क्या है आपका, IMT है, तो ये याद रखना आपको, खरखोदा क्या है आपका, खरखोदा IMT है, ठीक है। तो IMT क्या है, खरखोदा है। इसके बाद है बरही में क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है। कुंडली में इंडस्ट्रियल स्टेट है, मूर्थल इंडस्ट्रियल स्टेट है, राई इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो सोनीपत वाले देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। वैसे आपको बस ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंडस्ट्रियल स्टेट है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल स्टेट है जो HSIIDC के द्वारा विकसित किया गया है। तो आप इसको एक दो बार रीड करेंगे तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। तो बरही है, कुंडली है, मूर्थल है और राई है, ये चारों के चारों क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, और कहां के हैं, सोनीपत के हैं। खरखोदा में क्या है, IMT है, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद यमुनानगर खुद ही क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट में आता है। इसके बाद मानकपुर किस में आता है आपका, IMT में आता है। तो यहां पर ये आपके मैंने आपको पढ़ाए हैं इंडस्ट्रियल स्टेट, साथ साथ मैंने आपको पढ़ाए हैं कुछ IMT, ठीक है। अब ये आठों के आठों IMT मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो अब आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको गुरुग्राम का पढ़ाया था, मैंने बताया था गुरुग्राम में क्या है, सोना में गर्म पानी का जो कुंड होता है, ठीक है, तो वो हम सभी जानते हैं सल्फर की अधिकता के कारण है, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो सोना में हमने क्या बना रखा है, सोना क्या है हमारी, IMT है, ठीक है। तो IMT में कौन है, सोना आता है, तो ठीक है, सोना क्या है, IMT है। इसके बाद है नरवाना, मैंने आपको बताया था जींद में ना होकर कहाँ पर है, ये नरवाना में है, ठीक है। इसके बाद है पंचकुला, खुद है पंचकुला, बहुत अच्छी सिटी है, तो क्या है, पंचकुला हमारे IMT में आता, हमने अच्छा बना रखा इसको। इसके बाद बावल, रेवाड़ी वाला बावल अभी मैंने आपको पढ़ाया था, फिर है मानेसर, फिर रोहतक है, खरखोदा है, मानकपुर है, ठीक है, ये सारे क्या है, IMT में आते हैं। तो आपको ये सारी बातें क्या रखनी है, याद रख लेनी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सोना है,
नरवाना है, पंचकुला है, बावल है, मानेसर है, रोहतक है, खरखोदा है, मानकपुर है, धारूवेड़ा नहीं है, धारूवेड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, गुरुग्राम में सोहना और मानेसर, तो दो गुरुग्राम के, तो ऐसे याद रखना दो कहाँ के हैं, गुरुग्राम के। मानेसर वैसे भी हमारी ग्लोबल सिटी है, IMT में भी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोहना, तो दो गुरुग्राम के, सोहना और मानेसर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा बावल, बावल रेवाड़ी वाला है, जींद का, जींद में ना होकर कहाँ पर है, नरवाना में है। पंचकुला बहुत अच्छी सिटी है तो पंचकुला इसमें आता है। इसके बाद यहाँ पर है रोहतक, रोहतक भी अच्छी सिटी है तो रोहतक में आता है। फिर खरखोदा, ठीक है। सोनीपत के बहुत सारे एरिया इंडस्ट्रियल स्टेट में है और एक एरिया क्या है, इंडियन जो IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में आता है। इसके बाद हमने पढ़ा है मानकपुर, तो ये आठ किस में आते हैं, आपके IMT में आते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा अभी जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद है हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मार्गदर्शन। ये क्या काम करता है, गाइडेंस देने का काम करता है, काउंसलिंग का काम करता है। एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड को, जो काउंसलर होते हैं, मतलब जो मतलब एक तरीके से अपना कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, तो ये किसका काम करता है, काउंसलिंग का काम करता है, उनको गाइडेंस देने का काम करता है, सलाह देता है, आवश्यक बुनियादी ढांचे भी विकसित करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है बुकलेट, इसकी है जो आपका HSIIDC है, इसकी दो बुकलेट है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है इसकी दो बुकलेट कौन सी हैं, इन्वेस्टर गाइड टू हरियाणा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए बुकलेट किसके अंडर है, किसकी बुकलेट है ये, तो इन्वेस्ट करने की बात है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने की बात है तो इंडस्ट्रीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ बनाना है तो इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे याद रखना इन्वेस्टर गाइड टू हरियाणा किसकी है, HSIIDC के है। इसके बाद जो ये एटलस का नाम दिखेगा ये भी आपको किस में आएगा, HSIIDC में आएगा। तो एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट एंड इन्वेस्टर गाइड टू हरियाणा, ये दोनों बुकलेट किसकी हैं, HSIIDC की है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद है लोन प्रोवाइड, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया था कि ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है किसे, सर्विस सेक्टर को, जैसे स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, बैंकिंग बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये लोन प्रोवाइड कराएगा किसे, सर्विस सेक्टर को, जो लोगों की मतलब भलाई के लिए काम में यूज हो, तो लोन प्रोवाइड कराता है इन सबको। इसके बाद है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो आपकी औद्योगिक नीति आई थी ना, ये कब आई थी, 2011 में आई है। इसी के तहत किसकी बात कही गई है कि ये क्या करेगा, जो स्किल वगैरह है उसका काम करेगा, प्लॉट देने का काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करेगा, तो ये पॉलिसी 2011 के अंडर काम करेगा, ठीक है। इसके बाद है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो आपको पता होना चाहिए ये फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ, रोहतक में बनाया गया है, फुटवियर पार्क आपका बहादुरगढ़ में है, ये दोनों बातें अलग अलग है। डिजाइनिंग का काम कहाँ पर होता है, रोहतक में, लेकिन पार्क कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में। ये भी किसके द्वारा स्थापित किया गया, आपका HSIIDC के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो आई होप यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैंने और भी लिखे हैं, जैसे इसके बाद मैंने वापस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए थे जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था मैंने आपको बताया था, आप सोचेंगे कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कैसे करता है, तो स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल टीम है उसका जो मतलब जो भी एक तरीके से ग्राउंड वगैरह कह सकते हैं, तो उसको उसके लिए जो काम है वो किसने किया है, HSIIDC ने किया है। तो वॉलीबॉल टीम जो है वो किसके अंडर है, आपके HSIIDC के अंडर है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। गोल्फ कोर्स मानेसर गोल्फ क्लब भी किसके द्वारा बनाया गया है, HSIIDC के द्वारा बनाया गया। वॉलीबॉल टीम का जो भी आप कह सकते हैं ग्राउंड वगैरह वो भी किसके अंडर है, HSIIDC के अंडर है। मानेसर गोल्फ क्लब भी किसके अंडर है, HSIIDC के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लास हमारी लेंथी हो जाएगी बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से कोई पॉइंट नहीं रहेगा आपका, इतनी गारंटी मैं दे सकती हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी जरूरी जरूरी पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। HSIIDC ये हिंदी में लिखा है यहाँ पर, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अधिसंरचना विकास निगम, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं बट इसमें कुछ कुछ पॉइंट नए हैं जो आपको पढ़ लेने जरूरी हैं। 2005 में इसका नाम HSIIDC था, सिर्फ क्या था इसका नाम 2005 में, HSIIDC 2005 तक, लेकिन 2005 में हमने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, HSIIDC कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि इसका नाम कब चेंज किया गया, तो आप क्या टिक करेंगे, 2015 में हमने इसका नेम चेंज किया है। इसका गठन 1956 के एक्ट के तहत हुआ है, एक्ट कब आया 1956 में, स्थापना 8 मार्च 1967 को हुई है, मैंने आपको याद करा दिया कैसे याद रखना है।
ये किसके विभाग के अंडर काम करता है? उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंडर काम करता है। इसके मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ये जो किसके अंडर आता है? दुष्यंत चौटाला के अंडर आता है। इसके बाद जो HSIIDC है इसके चीफ सेक्रेटरी कौन है? आनंद मोहन है। ठीक है, तो इस आपसे पूछा जाए कि HSIIDC के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद मोहन, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बन गए तो आनंद आ गया ही नहीं, है ना, तो आनंद मोहन क्या है? इसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके शेखर विद्यार्थी क्या है? इसके डायरेक्ट शेखर विद्यार्थी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। HSIIDC ने गुरुग्राम को छोड़कर बाकी सभी जिलों को 4 औद्योगिक डिवीजन में डिवाइड किया है। तो ये बात याद रखनी है, HSIIDC ने सिर्फ गुरुग्राम को छोड़ा है, बाकी सभी को कितने में बांटा है? 4 इंडस्ट्रियल डिवीजन में बांटा है। जैसे आपके यहाँ पर प्रशासनिक मंडल 6 है, ये वो वाले मंडल नहीं है, ये औद्योगिक मंडल की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मंडल की बात है, सिर्फ गुरुग्राम ऐसा है जहाँ पर 4 मंडल नहीं है, बाकी सभी के सभी जिले में कितने हैं? 4-4 औद्योगिक डिवीजन हैं। HSIIDC द्वारा श्रम नीति कब लाई गई? 2005 में लाई गई थी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा तो किसकी जरूरत होगी? मजदूरों की भी जरूरत होगी, तो उसके लिए क्या लेकर आई है? श्रम नीति लेकर आई। ठीक है, तो ये भी कब आई? 2005 में आई। 2005 में इसका नाम बदला गया। ठीक है, ये हरियाणा पहला ऐसा राज्य था जो क्या लेकर आया? श्रम नीति जिसने लागू की। ठीक है, तो हरियाणा पहला राज्य है पूरे भारत में श्रम नीति लागू करने वाला, हरियाणा पहला राज्य बन गया था। 2017 में हरियाणा लैंड पुलिंग नीति लेकर आया, इसमें भी हरियाणा फर्स्ट कहा जाता है। लैंड पुलिंग नीति क्या होती है? जब मान लीजिए आपके कहीं पर, जैसे आपके छोटे छोटे प्लॉट पड़े हैं, मान लीजिए आपका प्लॉट है या आपके पड़ोसी का प्लॉट है या आपके दूसरे पड़ोसी का प्लॉट है, ये किसी और का है, खेत लगा लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि हम सब क्या करेंगे, इन खेतों को मिला देते हैं और इसको ना क्या करते हैं, एक मतलब बड़ी सी भूमि का टुकड़ा बनाएंगे और किसको दे देते हैं? HSIIDC को दे देते हैं। HSIIDC इसको क्या कर लेगी? अधिग्रहण कर लेगी और मतलब इन्हें जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी जो इन्हें दे दी जाएगी और ये क्या करेंगे? HSIIDC यहाँ पर कुछ भी उद्योग धंधे विकसित कर सकते। तो ये क्या होती है? लैंड पूलिंग नीति है, यानी कि छोटे छोटे जमीन के जो टुकड़े उसको इकट्ठा करके HSIIDC को सौंपना, ताकि वो यहां पर क्या कर सके? औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सके। तो ये, और यहां पर जो जमीन है ना वो 2 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है इनकी। कितनी नहीं होनी चाहिए? एक बंदे के पास 2 एकड़ से कम जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर एक इंसान के पास में 2 एकड़ या 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है तभी वो टुकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद IMT कब बनेगी? जब आपके 1500 एकड़ से ज़्यादा जमीन होगी तभी यहाँ पर क्या विकसित की जाएगी? आपके IMT विकसित की जाएगी। इसके बाद कुछ IT पार्क है, जैसे IT पार्क मानेसर है, IT पार्क राई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? IT पार्क मानेसर में, राई में, चमड़ा केंद्र कहाँ पर है? सुहोना में है। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी बने नहीं है, ये बनाने प्रस्तावित हैं। वैसे आपका IT पार्क पूछा जाता है तो पंचकुला ही आप टिक करते हैं। पहला IT पार्क कहाँ पर बना था? आपके पंचकुला में बना था, और अब तक आपका केवल जो मतलब डाटा है ना, वहाँ पर एक ही IT पार्क दिया गया है, पंचकुला। तो ये आपके बनने प्रस्तावित है। चमड़ा केंद्र कहाँ पर है? सोहना में है। हैफेड के अंडर क्या आता है? ये देखो, ये नेक्स्ट, ये अलग से पॉइंट है। मैंने आपको बताया था HSIIDC के अंडर आपके अंबाला का फूड पार्क है और साथ साथ आपका जो सोनीपत का फूड पार्क आता है, जो मेगा फूड पार्क है, ये हैफेड के अंडर कौन सा नहीं आता, मतलब सॉरी हैफेड के अंदर कौन सा आता है? ये तो सभी HSIIDC के अंडर आ गए। हैफेड के अंडर जो फूड पार्क है वो रोहतक का IMT वाला आता है। ठीक है, रोहतक का जो फूड पार्क है वो किसके अंडर आता है? हैफेड के अंडर आता है। तो रोहतक वाला सिर्फ HSIIDC के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर है? हैफेड के अंडर है, आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है 3 नई IMT की घोषणा। अभी तक आपके जो मैंने आपको पढ़ाई है वही IMT है, और IMT बनाने की घोषणा कही गई है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। तो IMT मदीना, IMT गोहाना, सोनीपत वाला, इसके बाद यहाँ पर है IMT अंबाला, इसके बाद है सोनीपत का मेगा फूड पार्क HSIIDC है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सोनीपत का मेगा फूड पार्क HSIIDC के अंडर है। ठीक है, तो मदीना, सोनीपत और एक अंबाला में बनेगी। इसके बाद यहाँ पर है अंडर HSIIDC, IIDC के अंडर क्या आता है? विकास केंद्र आता है साहा अंबाला का, और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल प्लांट कुंडली आता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं सब याद समझ में आ गए होंगे। तो HSIIDC कब बना है आपका? 8 मार्च 1967 को बना है। नीति कब आई है? 1956 में आई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ साथ इसका नाम पहले क्या था? 2005 तक इसका नाम HSIIDC था, बाद में इसका नाम बदलकर HSIIDC कर दिया गया। तो वॉलीबॉल का जो स्पोर्ट्स सिस्टम, जो भी ग्राउंड वगैरह, वो HSIIDC के द्वारा विकसित किया गया है। जैसे जो आपका मैंने अभी जो अरावली वाला मैदान पढ़ाया था, वो भी किसके अंडर आता है? वो भी HSIIDC के अंडर आता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे क्लस्टर हैं, थीम पार्क हैं, जो HSIIDC के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपका टेक्सटाइल हब है जो आपका पानीपत में है। ठीक है,
जैसे कुछ फूड पार्क हैं, फुटवियर पार्क हैं, वो सभी किसके अंडर आते हैं, HSIID के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो ये बातें याद रखनी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें होंगी वो सभी आपकी HSIID में आएंगी, ठीक है। एडिशनल वाले मैंने आपको बताया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इसके आनंद मोहन है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। और मैंने आपको बताया था कि कौन सा फूड पार्क जो है वो HSIID के अंडर नहीं आता है, तो रोहतक वाला मेगा फूड पार्क HSIID के अंडर नहीं है। HSIID के अंडर कौन से आते हैं, सोनीपत वाला है और अंबाला वाला फूड पार्क किसके अंडर है, HSIID के अंडर है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आपके कितनी है, 8 है। आईटी पार्क अभी तक जो लिखित में है वो एक ही आईटी पार्क है, पंचकुला वाला, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट कितनी है, 24 है। कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट मैंने आपको बढ़ाई है। IMT मैंने आपको सारे के सारे बताए हैं, जैसे सोना है, नरवाना है, जींद में ना होकर कहां पर है, नरवाना में है, बावल में है, मानेसर में है, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लेना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैफिड पढ़ाने वाली हूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।